सब्सक्राइब कीजिए हमारे ट्यूटोरियल पॉइंट यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को प्रेस करके पाइए वेब डेवलपमेंट वेब डिजाइनिंग टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हाय गाइस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड आई एम अजय कुमार सुनीजा एंड गाइस वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2K16। सो गाइस कंटिन्यू करते हैं अपने कोड इग्नाइटर मिनी प्रोजेक्ट के साथ। सो गाइस आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो अभी हम काम कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें अभी हमने इग्नोर कर रहे हैं, शायद हम उसे आज हम ठीक करेंगे और प्रोजेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसे आज मैं ठीक कर दूंगा, ताकि जो आने वाली वीडियोस होंगी उस स्ट्रक्चर के हिसाब से, क्योंकि आपको याद होगा गाइस मैंने आपको स्टार्टिंग में जो काम करने वाले हैं आपको स्ट्रक्चर दिखाया था, तो ये स्ट्रक्चर अभी हम सेट कर दूंगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा सेट करके, इसी के हिसाब से फिर हम काम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले गाइस जो बात निकल के आती है वो ये आती है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा गाइस मैंने एक वीडियो दी थी आपको जिसमें हमने index.php हटाया था। जैसे कि गाइस मैं अभी मेरे पास एक कंट्रोलर है, यूजर्स कंट्रोलर, जिसमें एक फंक्शन है इंडेक्स। ऐसा नहीं है काम नहीं करेगा, काम करेगा, बट आपको याद होगा गाइस पहले क्या होता था, पहले ये URL ये होता था index.php, तो ये भी काम करेगा। तो इस चीज़ को हटाने के लिए हमने एक फ़ाइल लिखी थी जो आपको याद होगा, उस फाइल का नाम था staccess, ये रही .xtaccess, जिसकी हेल्प से क्या हुआ कि जब हम पहले इसको हटाते थे तो ये एरर शो करता था, पर अब एरर शो नहीं करता है। चलिए ठीक है, बात समझ आती है। अब मेरा जो यहाँ पे कंसर्न है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे यूज़र नेम डालूँ और यहाँ पे पासवर्ड डालूँ तो ये एडमिन कंट्रोलर पे जाता है, देखिए जा रहा है और इंडेक्स फंक्शन कॉल हो रहा है, बट index.php यहाँ क्यों शो हो रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो चलेगा, ऐसा नहीं नहीं चलेगा, पर मैं चाहता हूँ शो ही ना हो, उसके लिए क्या करें, देखिए उसके लिए क्या करना है हमें, हमने stacces तो ऐड कर ही दी है, साथ ही साथ क्या कीजिए आप कन्फिग में जाइए, यहाँ पे config.php होगा उसमें जाइए और यहाँ से आप index_page है, यहाँ से index.php को आप हटा दीजिए। जब आप हटा देंगे तो बाय डिफॉल्ट मैंने बताया था कि वेब सर्वर जो आपका अपाची होता है वो इंटरनली index.php लगाता ही लगाता है, आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आएगी कंट्रोलर के पास वो index.php से गुजर के ही जाएगी। तो यहाँ आप क्या होगा, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये कॉल हो रहा है मेरा सिंपल यहाँ पे, और मैं अगर अब यूज़र नेम डालूँगा तो ये चीज़ अब नहीं होनी चाहिए, अब यहाँ पर नहीं आएगा, देखिए नहीं आ रहा index.php। अब यहाँ पर एक और चीज़ करते हैं, अगर मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँ index.php, देखिए ये चीज़ चल रही है बट वो दिखेगी नहीं अब, मतलब पहले क्या हो रहा था कि वो आप कंट्रोलर पर जा रहे हो एडमिन के, वो दिख रहा है, अब वो नहीं दिखेगा, हमने रिमूव कर दिया उसको परमानेंटली, पर इनडायरेक्टली वेब सर्वर लगाएगा। आई थिंक ये बात पॉइंट आपको क्लियर होगा। दूसरी बात पे आते हैं जो मैंने नोटिस किया है अभी काम करते हुए, अब बस हम आज की वीडियो खाली उन चीज़ों को ठीक करने की है, ताकि अब आने वाली वीडियोज हो उसमें हम ये सब ठीक ना करें, सही अप्रोच से काम करें। तो यहाँ जो बात निकल के आती है गाइज वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं यहाँ पे अपना नाम डाल देता हूँ और यहाँ पे सबमिट करता हूँ, तो गाइस ये तो ठीक है मैंने पासवर्ड डाला तो इसे वैलिडेट कर दिया, बट जब मैंने यहाँ यूज़र नेम डाल दिया है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो रहना चाहिए ना, वो नहीं रह रहा। देखिए दोबारा नोटिस कीजिए अगर ध्यान से आप, मैंने यहाँ पे डाला सुनेजा एंड पासवर्ड डालना भूल गया, मैंने सबमिट कर दिया, तो सुनेजा कहाँ गया, रिमूव हो गया, वो नहीं होना चाहिए ना। तो उसके लिए क्या करेंगे गाइस, चलते हैं अपने यहाँ पे आर्टिकल लिस्ट के अंदर, और आपको याद होता है गाइस अगर आपको याद होगा और आपने एचटीएमएल में काम किया होगा, एक एट्रीब्यूट होता है वैल्यू, इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट होता है जिसमें क्या होता है, कोई भी मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कोमा दिया और यहाँ पे अभी तो हम कोऑर्डिनेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसी के हिसाब से करते हैं, एक एसोसिएटिव एरे वैल्यू और यहाँ पर दे दिया मैंने अजय, इस केस में क्या होगा अजय बाई डिफॉल्ट डाला हुआ आएगा, देखिए आ गया। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारा जो यूज़र नेम वो डाला हुआ है उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ लिखिए सेट अंडरस्कोर वैल्यू, फंक्शन होता है मेरे पास एक, कुकी नहीं चाहिए वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे हम पास कर देंगे सिंपल कोट्स के अंदर यू नेम जो आपने नेम में पास किया है, दैट्स इट, सिंपल यही काम हम पासवर्ड के लिए भी करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल लिखिए आप वैल्यू और सेट अंडरस्कोर वैल्यू और यहाँ पे हम दे देंगे पास, सिंपल। तो अब देखें एक बार वो चीज़ करके कि वो चीज़ अब हो रही है नहीं हो रही है, एरर क्या आ रहा है, यू नेम, ओके अनएक्सपेक्टेड सिंटेक्स एरर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं क्या है सिंटेक्स एरर, ओके सेमीकोलन लगा लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हम
अनएक्सपेक्टेड यू नेम, ओके तो यू नेम में चलते हैं। ओके यहाँ पे ये नहीं आएगा, इसे यहाँ से हटा देते हैं, अभी एरर नहीं आना चाहिए। ये ठीक हो चुका है। अगर मैं अब दोबारा से देखूँ, रिफ्रेश करूँ, यहाँ लिखूँ सुनेजा एंड पासवर्ड नहीं डाल रहा मैं, तो यहाँ पासवर्ड पॉइंट कर रहा है, बट सुनेजा हमारा ऑलरेडी जो हमने इंसर्ट किया वो है। तो ये कोड हमने चीज़ यहाँ ठीक कर ली। तो चलिए, दो चीज़ हम ठीक कर चुके हैं। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट के लेआउट पे। जैसा आपको याद होगा, मैंने इनिशियल स्टेज में बताया था कि हम क्या करने वाले हैं, हम यूज़र इंटरफेस बनाएंगे, जिसमें मैंने क्या किया था, व्यू में एक फोल्डर क्रिएट किया था यूज़र्स नाम का, जिसमें आर्टिकल लिस्ट होगा और आर्टिकल व्यू होगा। तो हमने आर्टिकल लिस्ट डॉट पी एच पी तो बना ली, बट आर्टिकल व्यू में अभी मैंने कुछ करा नहीं है, क्योंकि अभी हमने काम ही नहीं किया। एडमिन इंटरफेस में क्या है, लॉग इन होगा, साइन अप होगा, विद लॉग आउट होगा। लॉग इन हमने देख लिया है, अभी हम वैलिडेशन करेंगे डेटाबेस के साथ, साइन अप फॉर्म हम बनाएंगे, एड आर्टिकल होगा, एडिट आर्टिकल होगा, डिलीट आर्टिकल होगा, और यूज़र पे खाली क्या होगा, व्यू होगा। तो एक काम करते हैं गाइस, थोड़ा मैं स्ट्रक्चर थोड़ा क्लियर करता हूँ। हम व्यू में एक फोल्डर बनाते हैं एडमिन नाम का, ठीक है। अब मैं आपको क्या बताता हूँ, यहाँ पे जो फुटर और हेडर है ना, इसे कॉपी कीजिए और एडमिन में डाल लीजिए। एक बार हम चलते हैं यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में, एक बार वेब 64 www और tp, यस। तो यहाँ पे हम चलते हैं एप्लीकेशन के अंदर, और यहाँ पे हम चलते हैं व्यू में। हम यहाँ पे एडमिन बना चुके हैं। यूज़र्स के अंदर हमें क्या कॉपी करना है, फुटर और हेडर, तीनों कॉपी कर लेते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पे थोड़े नेमिंग कन्वेंशन में थोड़ा सा वो हूँ कि मेरे को नाम आप ठीक थोड़ा ठीक दे देता हूँ मैं नाम। तो यहाँ तो यूज़र्स में क्या है कि आर्टिकल लिस्ट है अभी, फुटर और हेडर है। तो हम चलते हैं एक बार यहाँ पे, और तो हमें यहाँ पे अब आर्टिकल लिस्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब हटा रहा हूँ, क्योंकि आर्टिकल लिस्ट में अब हम क्या करेंगे, खाली वही चीज़ दिखाएंगे जो यूज़र को दिखेगी। हम अपना एडमिन वाला पार्ट अब यहाँ से हटा देते हैं। देखिए आप, अब ये नहीं दिखेगा, ठीक है। और आर्टिकल लिस्ट और यहाँ से मैं लॉगिन भी हटा रहा हूँ इसके हेडर से। तो यहाँ पे हेडर में चलते हैं, और यहाँ से हम लॉगिन जो यहाँ पे आप देख रहे हो, लॉगिन ये रहा लॉगिन। तो यहाँ से हम लॉगिन भी अब हटा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, आर्टिकल लिस्ट तो है, इसको यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं, इस यूआई को ही ख़त्म कर देते हैं, खाली आर्टिकल लिस्ट रह देते हैं, ठीक है। बस सर्च, और ये बस सर्च करेंगे सब, हमारे को उस हिसाब से हमारा आर्टिकल दिखेगा। ये खाली यूज़र का पार्ट है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। अब हम चलते हैं एडमिन के अंदर, कि अगर कल को यहाँ पे अब एडमिन देखेंगे, अभी तो एडमिन जैसे ये कॉल हो रहा है, यहाँ से मैं इसको हटा दूँ अगर, तो बाई डिफॉल्ट यूज़र कंट्रोलर कॉल होना चाहिए जो हो रहा है। पर कल को अगर आप एडमिन पे जाएं और एडमिन पे इंडेक्स फंक्शन कॉल करें, तो आपको क्या हो, यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर्म दिखे एडमिन का। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस पे चलते हैं, जैसा है ये परफेक्ट है, और एडमिन में इंडेक्स फंक्शन कॉल हो रहा है हमारा। यहाँ पे हम आप देख रहे हैं गाइज, यहाँ पे हम यूज़र्स को हटा के यहाँ देंगे एडमिन स्लैश, अब मैं यहाँ नाम चेंज कर रहा हूँ, आर्टिकल लिस्ट है हमारा यहाँ पे एडमिन के अंदर, इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, यहाँ पे देते हैं लॉग इन, या लॉग इन नहीं करते, चल लॉग इन दे देते हैं, लॉग इन डॉट पी एच पी फाइल का नाम दे देते हैं। तो सिंपल अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉग इन कर देंगे, ठीक है। अब मैं अगर देखूंगा यहाँ पे, तो ये ओपन हो जाएगा। आप देख रहे हैं गाइस, यहाँ जब मैं नॉर्मल ओपन करता हूँ तो मेन्यू ये आता है। अभी हमने यूज़र पे कुछ दिख ही नहीं रहा है, अभी हमने कुछ डाला ही नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे एडमिन स्लैश इंडेक्स करता हूँ, तो यहाँ पे एडमिन पैनल खुल जाता है। तो एडमिन पैनल में सर्च की इसके, अब मैं यहाँ से कुछ रिमूव कर रहा हूँ, जैसे कि मैं ये आर्टिकल लिस्ट हटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई रिलेवेंट नहीं है उसका। तो चलते हैं हम यहाँ पे अपने व्यू में हेडर के अंदर, और यहाँ से हम जैसे कि आर्टिकल लिस्ट की जगह मैं करता हूँ एडमिन पैनल, बस थोड़ा सा मैं मीनिंगफुल रहे चीज़ें वो, मैं इसलिए मेरे को लगा कि मुझे करना चाहिए। और यहाँ से लॉगिन वॉगिन को हम हटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है यहाँ पे, और इस टेक्स्ट फॉर्म को भी हम हटा देते हैं,
अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं झूठ नहीं है किसी चीज़ की, अभी सब परफेक्ट है, बटन रहना चाहिए। ओके, और ये हम यहाँ से हटा देते हैं। सो आई थिंक गाइस सब क्लियर है और परफेक्ट है यहाँ पे सब कुछ। तो ये आपका एडमिन पैनल हो गया और ये आपका यूज़र पैनल हो गया। तो यूज़र पैनल बाय डिफॉल्ट क्यों खुल रहा है? क्योंकि गाइस हमने, मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमने कन्फिग में ही शायद मैंने सेट किया था। कॉन्फ़िग नहीं, रूट होगा, यस रूट के अंदर मैंने सेट कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरा कंट्रोलर होगा वो यूज़र्स होगा, इसलिए यूज़र खुल रहा है। ठीक है, तो आई थिंक अब ये स्ट्रक्चर थोड़ा मीनिंगफुल है कि यहाँ पे अब आए हम आर्टिकल लिस्ट हमें यहाँ शो होगी, हम सर्च कर सकते हैं। बट अभी उससे पहले हम एडमिन से पहले एडमिन में लॉग इन करेंगे और वहाँ से हम इंसर्ट करेंगे एंड ऑल। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई। ठीक है, आई थिंक अब मेरा प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर परफेक्ट है, बाकी अब कोई कमी नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लॉग इन प्रॉपर ढंग से। सो आई होप गाइस क्लियर होगा आपको। अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज़ अपना कमेंट जरूर लीव कीजिएगा। प्रोजेक्ट में आपसे लास्ट में शेयर कर दूंगा सारा के सारा। चैनल को सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन इज़ वेरी मस्ट आपको, ताकि लेटेस्ट हमारी नोटिफिकेशन वीडियो सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय एंड गुड नाइट।